नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। खबर वाराणसी से है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर मौजूद सुविधाओं का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बीते देर रात अचानक वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में कर्मचारियों से बात कर सुविधाओं के बारे में पूछा। वहीं स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घूमकर उन्हें यात्रियों की सुविधा और साफ सफाई का निरीक्षण किया। उसके बाद पीएम मोदी करीब 10 मिनट ठहरने के बाद वहां से रवाना हो गए। खबर बस्ती से सामने आई। यहां पर खेत में एक अज्ञात शव मिला, जिसके बाद यहां पर इलाके में सनसनी मच गई। आपको बता दें कि बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र के जोगिया पाठक गांव के खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां मृतक रिंकू को बीते शाम 7 बजे किसी ने फोन कर बुलाया। रिंकू बाइक लेकर घर से निकल गया, लेकिन रिंकू रात में घर वापस नहीं आया। वहीं सुबह में गांव के एक व्यक्ति की नज़र खेत में शव पर पड़ी, जिसके बाद उसने परिजनों को सूचित किया। मौके पर परिजन पहुंचे तो देखा किसी ने गला रेत कर रिंकू की हत्या कर दी, जहाँ शव में 50 मीटर दूर सड़क पर बाइक मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इस दौरान एसपी आशिफ श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। साहब कैसे बताए, अब काटे है कटैया, हम क्या देखें दादा, कैसे बताए, क्या बताए साहब, बताओ। तो ये शाम को घर पे था? हाँ हाँ। फिर 7 बजे निकला। 7 बजे घर से निकला? हाँ। कुछ बता के निकला था? हाँ, कहे कि अब आई था खाई था, अब हमें कहाँ पता है, मेरे लड़के मन कह रहे अब कहीं जब खाए, अब तो लोग खाओ, हम आई था खाओ, अभी माडा जिसके काटी। तो रात में खोजे आप लोग? नहीं, रात का हम नहीं साहब खोजे, कहे कि हम चला गए पोखरा पर, तो रात बिरात आवत है जाते, तो हम वही रहे नहीं घर साहब। सोनहा निवासी रिंकू पत्नी लालदेव ने थाने पर आकर ये सूचना दी कि उनके पति लालदेव वर्मा की किसी ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है। खबर फिरोजाबाद से सामने आई। यहां पर रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिल गया, जिसके बाद महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जिले के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर सुबह एक बुजुर्ग महिला का शव रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा मिला। जैसे ही महिला का शव रेलवे की लाइन के ठीक कर रहे कर्मचारियों को दिखा, तो उन्होंने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी, लेकिन सिविल क्षेत्र होने के चलते जीआरपी ने इस घटना की सूचना शिकोहाबाद कोतवाली को भेज दी, जिसकी सूचना मिलते ही शिकोहाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। फिलहाल मौत के कारणों को जानने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना ये है कि मैं अपने सेक्शन से जब देख के आ रहा था, तो ये महिला मुझे रेल की पटरी के किनारे पड़ी मिली थी, तो फिर मैंने इसकी सूचना अपने साहब को दी है। साहब ने बोला कि वहीं रहो आप, और मैं आपके आपको भेजता हूँ। खबर संभल से है। यहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि संभल ज़िले में संभल आदमपुर मार्ग पर दो बाइकों की ज़ोरदार भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल संभल ज़िले के सौधन गांव के पास का निवासी त्रिपाल और त्रिपाल की पत्नी अपने बच्चों के साथ गांव की तरफ जा रही थी। इसी बीच सामने से आ रही तेज़ रफ्तार बाइक और नेत्रपाल की बाइक की आमने सामने से ज़ोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार त्रिपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक बच्चे सहित 4 लोग हादसे में घायल हो गए। हादसे में युवक की मौत के बाद घायलों को ग्रामीणों की मदद से संभल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर दिया गया। हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक त्रिपाल के परिजन संभल जिला अस्पताल पहुँच गए। त्रिपाल की मौत के बाद परिजनों के बीच यहाँ कोहराम मचा हुआ है।
खबर मऊ से है। यहाँ पर दो बसों की टक्कर हो गई, जिसमें कि यहाँ पर हादसे में लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल मऊ ज़िले के हलधरपुर थाना क्षेत्र में दो बसों में आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई, जिससे बस में सवार चार लोगों की यहाँ मौके पर ही मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर बस में फंसे लोगों को निकालने में जुट गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त बस बलिया से मऊ की ओर जा रही थी, तभी उस वक्त ये हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं मृतक की शिनाख्त करके उसके अनुसार पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। खबर आगरा से है। यहाँ पर भीमसेना ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल पूरा मामला अंबेडकर की मूर्ति से जुड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला मुख्यालय का भीमसेना के लोगों ने घेराव प्रदर्शन किया, जिससे जिला मुख्यालय पर कारों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मौके पर कई थानों के फोर्स भी यहां पहुंची। दरअसल जिला मुख्यालय थाना अनछेरा क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति टूट जाने से भीम सेना के लोगों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। जिला मुख्यालय के गेट के सामने घेराव करते हुए आगरा की लाइफ लाइन कही जाने वाली MG रोड पर एम्बुलेंस और अन्य कार जाम में फंसी रही। खबर हापुड़ से है। यहाँ पर चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ पर 6 लाख की स्टैम्प चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर चोरी का मामला सामने आया है, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि मामला काफ़ी संगीन है। आपको बता दें कि हापुड़ के समाज सेवी मुस्लिम ने धौलाना तहसील पहुंचकर गांव में बने मकान को कृषि भूमि में बताकर स्टाम्प चोरी का आरोप लगाया है। समाज सेवी ने तहसील में बैठे अधिकारियों से शिकायत की। इस दौरान समाज सेवी मुस्लिनी का कहना है कि आबादी में दर्ज भूमि को कृषि भूमि बताकर कुछ लोगों की ओर से भारत सरकार के स्टाम्प की चोरी का उसने आरोप लगाया। स्टाम्प चोरी का ये मामला है जी, कुछ गांव के आदमियों ने बहनामा करा था, इस वजह से हमें मालूम होगा तो गवर्नमेंट का चोरी कर ली। उस पर जो जुर्माना हुआ है हमारी शिकायत करने से, तो कुल 57,000 रुपये का जुर्माना करा, जबकि जुर्माना होना चाहिए था 5-6 लाख रुपये का। खबर सीतापुर से है। यहाँ पर बदमाशों का हौसला सातवें आसमान पर नजर आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा मामला सीतापुर से है, जहां पर सिंधौली रोड पर बाइक सवार बदमाश बैंक कर्मचारी को गोली मारकर उसके रुपयों का बैग लूटकर फरार हो गए। दरअसल बैंक कर्मचारी रामपुर कला इलाके का रहने वाला है और वो बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र पर जा रहा था, तभी बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और रुपयों से भरा बैग छीनने लगे। इस छीना झपटी में बदमाशों ने अरुण को गोली मार दी। गोली के लगते ही वो गिर गया और बदमाश रुपयों का बैग लेकर वहां से भाग गए, जिसके बाद भाई पंकज ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी और घायल कर्मचारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वाम में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखकर उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस भी फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। खबर गाज़ियाबाद से सामने आई। यहाँ पर तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाज़ियाबाद के लोनी में तेज़ रफ्तार का कहर सामने आया। दरअसल लोनी के बंथला फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे खड़ी बस के पीछे से आई तेज़ रफ्तार बोलेरो पिकअप ने ज़ोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद बोलेरो पिकअप के परखच्चे उड़ गए और बोलेरो पिकअप में सवार दो लोगों की मौके पर
ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बस में कई बैठे कई लोग घायल भी हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए आगे लोगों को भेज दिया, शवों को। बस में हम पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, पीछे से गाड़ी आई है, बस एक दूसरे टक्कर मारी, उसका कांच घुसा, हमें तो आंखों में अंधेरा आ गया था, हमें तो पता भी नहीं हुआ क्या था, दांत हो गई। गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है, पीछे से टक्कर मारी, स्पीड तेज थी गाड़ी की, बहुत तेज स्पीड थी, जिस हिसाब से लगी है। कितने लोग घायल हुए? अभी दो तीन जने चले गए, बाकी हम जो रह गए एक भाई अंदर। चोट कितने लोगों को लगी आपके आपके साथ? तीन चार जनों को लगी। जो गाड़ी में वो जिसने टक्कर मारी उन लोगों को पता है कुछ, क्या जानकारी उनकी? कुछ नहीं, बस में हम पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, पीछे से गाड़ी आई है, बस एक जने टक्कर मारी, उसका कांच घुसा, हमें तो आंखों में अंधेरा आ गया था। खबर गाजियाबाद से सामने आई। यहां पर 100 करोड़ की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद यहां पर बैंक अधिकारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर जो पूरा मामला है वो धोखाधड़ी से जुड़ा है। गाजियाबाद नंदग्राम थाना पुलिस ने 100 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बीते मंगलवार को रेड एप्पल के मालिक राजकुमार जैन को परिवार सहित गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें राजकुमार जैन ने अपने सभी लोगों पर फर्जी कंपनियां बनाकर निवेश के नाम पर ठगी करने के 29 केस थानों में दर्ज हैं। कई मामलों में धोखाधड़ी के बावजूद भी उन पर अब तक गैंगस्टर एक्ट भी नहीं लगा है, लेकिन इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है, जिससे बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद बैंक अधिकारियों पर भी इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस सभी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। खबर आगरा से सामने आई। यहाँ पर वाहन चालक बेखौफ नजर आए, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए उनके दिल में जो डर है वो नज़र नहीं आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगरा शहर के अधिकांश चौराहों पर सवारी वाहन बीच चौराहे पर खड़े होकर सवारी भरने का कार्य करते देखा जा सकता है। इस दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सवारी वाहन चालकों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। समय समय पर आगरा पुलिस प्रशासन चौराहों पर अभियान चलाकर ऐसे सवारी वाहनों पर कार्यवाही करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात चौराहों की पुनः यथास्थिति देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या ऐसे वाहन चालकों पर आगरा पुलिस प्रशासन सख्ती से क्या कोई कार्रवाई करती है या नहीं। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।